सर अभी देखा गया है कि हेल्थ इंडेक्स में जो कंट्रीज आगे है दुनिया में, उन्होंने इस कोरोना महामारी को अच्छे से टैकल किया है। उन्होंने अपना सोशल इकोनॉमिक्स या मनुष्य की जो हानि है उसको कम होने दिया है। लेकिन जैसे अभी इंडिया में देखे तो 564 केस थे जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, और अभी लगभग 130,000 के करीब पहुंच गए हैं। तो इसमें आप क्या फेलोर मानते हैं, किसका फेलोर मानते हैं? देखिए, एक जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट में एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजंस, यानी जैसे आपके यहाँ रिजर्वेशन है या बाकी अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज हैं, तो ये बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट की चीज़ों को माना जाता है कि भाई आपका एजुकेशन कितना है। तो आपकी 100% जनता एजुकेटेड चाहिए, पहला पॉइंट। उस समय का आपका, अगर आप साउथ कोरिया का मॉडल देखते हैं या चाइना का मॉडल देखते हैं जो बाद में कंट्रीज ऊपर आई हैं, या यूरोपियन मॉडल देखते हैं, तो 70% से 96% तक वहाँ की आबादी हायर एजुकेटेड है। तो पहली बात तो एजुकेशन ने जो रोल प्ले किया है दुनिया के अंदर में, मैं नहीं समझता कि और किसी चीज़ ने वो रोल प्ले किया है। क्योंकि इंसान को मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आप देखिए एजुकेशन से ही समझाया कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका एजुकेशन जो है वो पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन जितना ज़्यादा होगा उतना आपका जो सिटीज़न है वो समझदार होगा कि उसको क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहली बात हो गई। फिर हेल्थ, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, यानी भारत सरकार की तरह या स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से जो आपके हॉस्पिटल्स है, जो बेड्स है, जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेस है, जो मेडिकल स्टाफ है, या जो आपकी मेडिसिन है, या जो इंस्ट्रूमेंट्स है, या जो मेडिकल साइंसेस में कॉलेजेस है, या मेडिकल इन्वेस्टिगेशन है या रिसर्च है, और इसके साथ में जैसे मेडिसिन के साथ वैक्सीन्स और ये तमाम चीज़ों का रिसर्च है, या फिर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, वायरोलॉजी, एपिडेमोलॉजी के अंदर में जो रिसर्चेस है, जेनेटिक साइंसेस में जो रिसर्चेस है, वो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस कैसी है, उससे आपका पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो डिसाइड होगा। और ऑफकोर्स इसमें प्राइवेट सेक्टर की कोई भूमिका हो सकती है, उसको निगेट नहीं करना चाहिए। तीसरा जो है हाउसिंग, यानी आपके घर। अभी आप देखिए घर अभी धारावी जैसी प्लेस में बॉम्बे के अंदर क्यों फैल रहा है, क्योंकि बॉम्बे में जितने स्लम्स है वो हॉटस्पॉट है। जो आपने इंसान को 600 स्क्वायर फीट के अंदर, 350 स्क्वायर फीट के अंदर 10-10, 12-12 इंसान को रहने के लिए मजबूर कर दिया, आपके पास हाउसिंग ही नहीं दिया उनको, तो मैं समझता हूँ उसके वजह से भी आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो आपका हेल्थ है, वो अफेक्ट होता है। और कम्युनिकेबल डिसीज में अभी भी भारत में 230,000 केसेस होती है हर महीने में, इतने लोग भारत में जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है, टाइफॉइड है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, मीसल्स है, कॉलेरा है, इससे डेथ होती है। अभी तो कोरोना से उतना एक महीने में डेथ भी नहीं हुई है। तो इसका मतलब कि हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है। भारत में हर 3-4 लोगों में एक व्यक्ति को जो है अपनी पूरी डेब्ट्स को, अपनी एसेट्स को बेचकर अपने मेडिकल बिल को चुकाना पड़ता है, ये कंडीशन है। यानी हमारा हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम भी जो है वो अभी तक हमने ठीक से डेवलप नहीं किया गया है। चीप मेडिकल जो हमको असिस्टेंस मिलना चाहिए, केयर मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो हमने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी, यानी प्रोविडेंट फंड, पेंशन, या जैसे अभी हो गया, अभी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है आना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट दिया जाना चाहिए, ये चीज़ें जो है हमारे देश में पॉलिसीज में कमी है। तो फिर रिपीट करूँगा, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड सोशल सिक्योरिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, यानी रिजर्वेशन जो है उसको एक्सपांड करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन लाने की ज़रूरत है। ये अगर 5 पॉलिसीज अगर हो तो आपका ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा। जिस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा वो कंट्री जो है इफेक्टिव वे में किसी भी चैलेंज को टैकल कर सकती है, केवल एपिडेमिक या पैंडेमिक कोई नहीं, किसी और चैलेंज को भी वो अच्छे से जो है वो टैकल कर सकती है। और इसलिए हम देख रहे हैं साउथ कोरिया जैसा देश जो है एशिया में है, चाइना खुद है जहाँ से ये इमर्ज हुआ, उन्होंने ज़्यादा अच्छे से इसको टैकल कर लिया। ताइवान जैसी जो छोटी कंट्री है, थाईलैंड है, ये जो है अच्छे से टैकल कर रही है। और यूरोप की कंट्रीज़ में भी इतना फैटेलिटी आने के बाद भी वो इसको अच्छा टैकल कर ले रही है। तो मैं समझता हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन स्किल्स यानी टैलेंट कितना है आपके पास में, हायर एजुकेशन एंड टैलेंट कितना है और स्किल्स कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना R&D कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये जब जिस भी देश में होगा वो बाकी आपदा को अच्छे से जो है वो टैकल कर सकते हैं। जिन देशों में ये नहीं होगा वो देश जो है वो इसको टैकल नहीं कर सकते। यही कारण है कि भारत अभी कल परसों में पहले 10 नंबर में आ जाएगा वर्ल्ड में, और आगे मेरा अनुमान है कि जितना ऊपर जाएगा वो तो समय बताएगा। तो इसलिए भारत सरकार को अपने आंकड़ों का बहुत हेरफेर नहीं करना चाहिए,
और चुपचाप जो है उसको एक्सेप्ट करते हुए काम करते हुए इसको खत्म करने पर सोचना चाहिए साइंटिफिकली। ओके, ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसके ऊपर सवाल आए हैं, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर सर ने ऑलरेडी उसका विश्लेषण कर चुके हैं। आप हमारे YouTube चैनल इनलाइटेड इंडिया में जाके उसका पूरा वीडियो देख सकते हैं, या फिर हमारे Facebook पेज पे भी आप अगर जाएंगे तो 8-10 पोस्ट के नीचे वो आपको पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा। ट्विटर में छोटे ट्वीट्स डाले हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर में उसका विश्लेषण, तो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें हम रिपीटेशन में नहीं जाएंगे। सर, इसमें एक और बात हमने देखी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो कंट्री या जो जिस कंट्री के लीडर थोड़ी ज्यादा समझ रखते हैं उन्होंने इस महामारी को अपने अच्छे से संभाल के रखा है, तो लेकिन वो भारत में हम नहीं देख पा रहे, तो अभी आप दुनिया को किस तरह के नए लीडरशिप के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं या कैसी लीडरशिप होना चाहिए? अभी जो दुनिया में लीडरशिप है चाहे जो भी लेवल की हो, उनको जब तक साइंस एंड नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, यानी साइंस टेक्नोलॉजी का और जो वर्ल्ड के जो वेरियस नॉलेजेस है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस का नॉलेज हो, जियोपॉलिटिक्स का नॉलेज हो, चाहे फिर वो ह्यूमन राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशन का, इंटरनेशनल लॉ का, जो वेरियस इंटरनेशनल लॉ उसका नॉलेज हो, या देश के अंदर में फिर जो डोमेस्टिक इशूज़ है उनका नॉलेज हो, जब तक ये नहीं होगा, यानी साइंस एंड नॉलेज यानी ज्ञान विज्ञान जिस नेतृत्व में नहीं होगा और मानवता नहीं होगी, तो वो लीडरशिप जो है वो किसी न किसी क्रूशियल स्टेप पर आकर उससे मिस्टेक ज़्यादा होने की संभावना है। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया का सबसे लीडिंग कंट्री है, जिस कंट्री में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो उनको समझ नहीं है, लेकिन उसके लीडर ने इसके साथ जो किया उसको इसकी समझ कम है, और उसमें अपनी डोमेस्टिक इलेक्शन ईयर में वो ये तमाम जो है नमस्ते ट्रंप करने अहमदाबाद आकर ये काम करते रहे, तो हम देख रहे हैं कि उसको भुगतना पड़ा, अमेरिका को वो जो है फैटेलिटी रेशियो ज़्यादा है। वही हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो काम 1 या 2 फरवरी से उन्हें करना चाहिए था एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो ना करते हुए वो भी ये कामों में लगे रहे, तो हम देखें कि इंडिया को इस स्टेज में हमको भुगतना पड़ रहा है। तो जब तक साइंस एंड नॉलेज ये लीडरशिप में डेवलपमेंट नहीं होगा और ह्यूमैनिटी, तब तक के जो है हमारा आगे का जो न्यू वर्ल्ड बनाने की जो संकल्पना है, नए तरीके जो चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स हैं उसको टैकल करना मुश्किल जाएगा। केवल डेमोक्रेसी से, केवल कॉन्स्टिट्यूशन से ये होने वाली चीज नहीं है, इसके लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी और साइंटिफिक लॉस की समझ की जरूरत पड़ेगी।